बहुत समय पहले की बात है, ढोलकपुर गांव में रोशनी नाम की लड़की रहती थी। कुछ समय पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिस वजह से उसके पिता ने दूसरी शादी उर्मिला नाम की औरत से कर ली थी। उर्मिला की पहले ही से एक बेटी थी जिसका नाम रूही था। रूही देखने में थोड़ी सावली थी, जबकि दूसरी तरफ रोशनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। उर्मिला रोशनी से बहुत जलती थी। ये रोशनी की बच्ची तो कितनी सुंदर है और मेरी बेटी कितनी सावली, काश मेरी बेटी भी रोशनी की तरह सुंदर होती। वहीं रूही बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की थी। वो रोशनी को अपनी सगी बहन की तरह मानती थी, हमेशा उसके काम में मदद करती थी। लेकिन उर्मिला को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुन रूही, तू इस रोशनी की बच्ची के साथ ना रहा कर, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये सिर्फ एक नौकरानी है और नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ, रोशनी तो मेरी छोटी बहन है ना। उर्मिला रोशनी से घर का सारा काम कराती थी और हर बात पर उसकी खूब पिटाई करती थी। एक दिन, सुन कलमुही, ये मेरी बेटी की ड्रेस, इसे अच्छे से धोकर प्रेस कर, शाम को हम दोनों ने पार्टी पे जाना है, चल जाओ और जल्दी से इसे प्रेस करके लेके आ। माँ, मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँगी शाम को। अरे तुझे किसने कहा हम पार्टी पे तुझे भी लेकर जा रहे हैं, तू इस घर में ही रहेगी और घर की रखवाली करेगी। रोशनी रूही की ड्रेस प्रेस कर रही थी, लेकिन तब ही गलती से उसकी थोड़ी सी ड्रेस जल जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे से, अब माँ मेरी जान ले लेगी, अब मैं क्या करूँ। तब ही वहाँ पर उर्मिला और रूही आती है। अरे कलमुही, अभी तक मेरी बेटी की ड्रेस प्रेस नहीं की। माँ वो अरे क्या वो कर रही है, क्या बात है, क्या हुआ तुझे। माँ थोड़ी सी ड्रेस जल गई है। उर्मिला उसकी पिटाई करती है। नालायक, तूने जानबूझ के मेरी बेटी की ड्रेस जलाई है, मैं तुझे पार्टी पर नहीं लेकर जा रही ना, इसलिए तूने ये सब किया है। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं माँ अरे जल गई। अरे कोई बात नहीं माँ, जाने दीजिए, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी में आप लोग चले जाएं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू घर पर आराम कर और एक अलमुही तू घर का सारा काम कर। रोशनी रोते रोते घर से बाहर जाती है और वो एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर बैठकर अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ आप कहाँ चलेगी, ये सौतेली भी अच्छी नहीं है। रोशनी ऐसा कहकर रो रही होती है, तभी उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है। बेटी तुम क्यों रो रही हो। माँ मैंने अपनी बहन की ड्रेस चला दी, पर माँ वो गलती से चली थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। माँ मैं अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, मेरी बहन की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए। माँ मेरी मदद कीजिए, माँ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। रोशनी बेटा रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी दे रही हूँ। उसकी माँ अपने जादू से जादुई साड़ी प्रकट करती है। रोशनी बेटा ये साड़ी अपनी बहन को दे देना। ठीक है माँ, ऐसा कह के उसकी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। रोशनी घर जाती है और वो साड़ी अपनी बहन को दे देती है। उसकी बहन जब वो साड़ी पहनती है तो वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। ये देखकर रूही बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपनी माँ के पास जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोशनी से अपने किए गए गलती की माफ़ी मांगती है। रोशनी उर्मिला को माफ़ कर देती है। इसके बाद उसकी सौतेली माँ उसको अपनी बेटी की तरह चाहने लगी। बहुत समय पहले की बात है, ढोलकपुर गांव में राखी नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ विमला के साथ रहती थी।
कुछ समय पहले उसकी माँ की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसलिए राम प्रकाश ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि राखी को माँ की कमी महसूस ना हो। विमला बहुत ही लालची और बुरे स्वभाव की औरत थी, इसने राम प्रकाश से इसकी दौलत के लिए शादी की थी। विमला राम प्रकाश के जाते ही राखी के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। बेचारी राखी घर का सारा काम करती थी। एक दिन राखी विमला की साड़ी प्रेस कर रही थी, लेकिन वो साड़ी थोड़ी सी जल जाती है, तभी वहाँ पर विमला आ जाती है। एकल मोही, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। आज तो मैं तुझे मार मार कर तेरी हालत खराब कर दूंगी। विमला राखी को पूरी तरह से पीटना शुरू कर देती है। राखी अपनी माँ की तस्वीर के सामने रो रही होती है। माँ देखो ना, आपके बगैर मेरी क्या हालत हो गई है, काश आप मेरे साथ होती, हम सब खुशी खुशी रहते। तभी वहाँ पर राखी की माँ की आत्मा प्रकट होती है। उसकी माँ रोशनी को एक जादुई साड़ी देती है। बेटा ये साड़ी तुम अपनी सौतेली माँ को देना, तुम्हारी सौतेली माँ सुधर जाएगी और मेरी तरह तुम्हें प्यार करने लगेगी। इतना कहकर उसकी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। राखी वो साड़ी अपनी सौतेली माँ को देती है। उसकी सौतेली माँ जब वो साड़ी पहनती है तो वो सुधर जाती है और वो राखी से बहुत प्यार करने लगती है। अब वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। ढोलकपुर गांव में रूपल अपनी सास शोभा और नन टीना के साथ रहती थी। रूपल एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। गरीब परिवार से होने के कारण शोभा और टीना रूपल को पूटी आंख नहीं पाते थे, पर शोभा अपने बेटे की वजह से रूपल को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या जादू करती है इस टाइन ने, जो मेरा बेटा इसके आगे पीछे घूमता रहता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, गरीब लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं, अमीर लड़का देखा नहीं अपनी अदाओं से उन्हें फंसा लेती हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर एक दिन, माँ मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, आप लोग अपना ध्यान रखें। विनय ऐसा कहकर घर से बाहर चला जाता है। वो मुंबई मीटिंग के लिए जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जब रूपल को पता चलती है तो उसके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इस पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शोभा और टीना विनय के जाने के बाद से रूपल के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। रूपल इनको पहले ही पसंद नहीं थी, लेकिन अब इनके पास रूपल से नफरत करने के लिए एक कारण मिल गया था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। शोभा और टीना मिलकर रूपल को अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रख देती हैं। अरे कलमोही, रूपल कब से सफाई में लगी है, ऐसे कछुए की तरह काम करेगी तो घर का खाना तेरा बाप बनाएगा आकर। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सफाई करने के बाद सारा काम निपटा दूंगी। रूपल ये सब कहती है, तभी वहाँ पर टीना आ जाती है और कहती है, माँ इस नौकरानी को पहले ही बता दो, मेरी आज कुछ फ्रेंड आने वाली हैं और कुछ अच्छा सा लंच के लिए बना ले। सुन लिया ना तूने मेरी बेटी क्या कह रही है। जी माँ जी। फिर घर का काम निपटा कर रूपल खाना बनाने लगती है, तभी उसका खाना जल जाता है। तब वहाँ पर शोभा और टीना आती है और टीना चलाते हुए कहती है, माँ इसने सारा खाना जला दिया है, अब मैं अपने दोस्तों को क्या खिलाऊंगी, मैंने बहुत झेल लिया इसको, अब और नहीं, या तो ये इस घर में रहेगी या मैं। सही कह रही है बेटी, मैंने भी इसे बहुत झेल लिया, विनय था तब कोई बात अलग थी, मेरे भी हलक में कांटा बन रही है। इसके बाद शोभा और टीना रूपल को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। रूपल अपने पति के गिफ्ट की हुई साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे समझ नहीं आता वो जाए तो जाए कहाँ पर। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। विनय तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, ऐसा कहकर रूपल जोर जोर से रोने लगती है।
तभी उसे एक आवाज़ आती है। रूपल, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। विनय की आवाज़ सुनकर रूपल हैरान हो जाती है और आसपास देखने लगती है। तभी वो देखती है वो आवाज़ विनय के दिए हुए गिफ्ट की साड़ी से आ रही। हाँ रूपल, मेरी आत्मा इस साड़ी में बस गई है, क्योंकि ये पहला और आखिरी गिफ्ट था जो मैंने तुम्हें दिया था। तुम चिंता मत करो, इस गिफ्ट की वजह से तुम अच्छी ज़िंदगी जियोगी। मैंने इस साड़ी में सारी शक्तियाँ डाल दी हैं। तुम इस साड़ी से जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर रूपल वो साड़ी पहनती है। फिर इस साड़ी से रूपल एक घर मांगती है। अब रूपल को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती वो उस साड़ी से मांग लिया करती थी। अब रूपल उस साड़ी की मदद से तमाम गरीब लोगों की मदद करने लगी थी और वो अब उस साड़ी के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।